मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट किसको का तो मतलब नहीं पैदा होता। हिमाचल में झाड़ू नहीं फरवाना, हमें अपने हिमाचल में झाड़ू नहीं फरवाना है। अच्छा, ऐसा क्यों? बस नहीं तो नहीं, हमें झूठे में थोड़ी फ्री फ्री, हमने क्यों लेना फ्री? कुछ नहीं मिलता है सर, कमाएंगे तभी मिलेगा। अच्छा, फ्री कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं नहीं फ्री तो वैसे भी कुछ नहीं होता, ये तो सत्य बात है। झूठ बोलते हैं ना, फ्री फ्री फ्री। नहीं नहीं, वो उनका कहना मतलब है आपके टैक्स का पैसा है, आप उसमें से ही आपको दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। सर कमाएंगे तभी मिलेगा, टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, बस बस किसी ने कुछ नहीं सोचा। हम सरकार को इतना कुछ देते हैं पर सरकार ने कुछ नहीं सोचा हमारे बारे में, दुकानदारों के बारे में। लोग बंद, नोटबंदी हुई, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हमारे लिए किया, कुछ भी नहीं किया। हम लगे हुए हैं, खुद लगे हुए हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, बस यही है। घर में बैठ गए, ये भी नहीं बोला बंद कर लो, अब हट गया तो अब खोल लो। हाँ जी, देखो ना, हमने लोन लिए हैं, हमें लोन तक नहीं माफ किया जितने दिन तक बंद था। इतनी तो सरकार को चाहिए था कि बाजार बंद है, सब कुछ बंद है, तो कम से कम इनको ब्याज भी टोटल नहीं लानी चाहिए। सबके बावजूद भी आप सरकार बदलने की और किसी नई पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे, तो ये बहुत बड़ी बात। सोचे क्या सोचे बताओ, वो भी आगे यही करेंगे। अच्छा, वो क्या करेंगे, वो भी यही करेंगे। इसे बैठिए कि जो चल रहा है वो चलने दो। अच्छा, बैठो, चाय पानी पी के जाओ भैया, थोड़ा और लोगों से बात कर ले। थैंक यू भैया, थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका भैया। नमस्कार जी, मैं दिल्ली से आया हूँ, शरद शर्मा। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अशोक कुमार, कच कुमार, कच कुमार। अच्छा, यही कांगड़ा में रहते हैं? हाँ जी, कांगड़ा में। ये स्टेशनरी का काम है आपका? हाँ, स्टेशनरी का काम है। अच्छा, आपके यहाँ हिमाचल में किसी तीसरी पार्टी के उभरने की कोई संभावना हो सकती है क्या? संभावना की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बदलाव होना चाहिए सर। अच्छा, बदलाव होना चाहिए, मतलब क्योंकि सीएम साहब ये कह रहे हैं जयराम ठाकुर जी कि हिमाचल के लोगों ने कभी तीसरी पार्टी को यहाँ मान सम्मान नहीं दिया, अभी तक ये देखा गया है। देख लीजिए, कहने को तो कुछ भी कह देते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा है ना, बदलाव होना चाहिए, एक नई पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज ना, क्योंकि दोनों को देख लिया हुआ, कांग्रेस को भी देख लिया हमने और उनको भी देख लिया, काम कंस्ट्रक्टिव काम करते नहीं है, आराम से बदलाव होगा तभी ये जागेंगे। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तो आप बताना चाहेंगे कोई तीसरी पार्टी कौन सी हो सकती है या बदलाव जिसमें आप सोच रहे हो कौन सा हो सकती है? मैं ये तो नहीं कह सकता तीसरी कौन हो सकती, लेकिन होना चाहिए बदलाव। अच्छा, कोई अच्छा नेक बंदा आना चाहिए, नेक नियत ईमानदारी के साथ आना चाहिए, जो करप्शन को दूर कर सके, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, जो कि बहुत है यहाँ। मौजूदा व्यवस्था से आप निराश हैं, इस वजह से आप तो एक बदलाव के तौर पर चाह रहे हैं? बिल्कुल निराश, कोई नया आ जाए चाहे कोई दूसरी पार्टी आ जाए। नहीं, नया ही आना चाहिए। अच्छा, नहीं आना चाहिए, नया बदलाव होना चाहिए, नया नए रूप में बदलाव होना चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी।